पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या को लेकर बवाल जारी है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और छात्र सड़क पर उतरकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को देश के हर हिस्से से समर्थन मिल रहा है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने प्रदर्शन का समर्थन करते हुए देश भर के अस्पतालों में चुनिंदा सेवाएं बंद रखने का आह्वान किया है। FORDA ने अपने इस फैसले के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भी सूचित कर दिया है। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन से देश भर के सरकारी अस्पतालों में सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। जूनियर डॉक्टर्स प्रशिक्षु और स्नातकोत्तर प्रशिक्षु इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। इस भयावह घटना के कारण आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस मामले में शनिवार को एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है जो अक्सर अस्पताल में आने जाने वाला बाहरी व्यक्ति था। घटना के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने अस्पताल के आसपास सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी, जिसके मद्देनजर अस्पताल में प्रवेश करने वाले लोगों का नाम अब एक रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है। गार्डों को पहचान पत्र दिए गए हैं जिन्हें वे हमेशा ड्यूटी पर पहनेंगे। बताया गया है कि आप रजिस्टर में नोट करिए कौन कौन भीतर में जा रहा है, कौन अंदर में जा रहा है, कोई अनवांटेड लोग अंदर में ना जाए, ज्यादा काज नहीं, जिसको लेके प्रॉब्लम कर सकता है। जो डॉक्टर्स का डिमांड भी है कि सिक्योरिटी इस जगह का बढ़ाना है हॉस्पिटल का, तो वही हम लोग इसमें इसका एक स्टेप है, व्यवस्था हम लोगों ने किया है। इसमें आई कार्ड दिया है, सब लोग सिक्योरिटी जो है आई कार्ड लेके इसमें ड्यूटी कर रहा है, तो इस चीज को लेके सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए वन ऑफ द स्टेप्स है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सवाल एक बार फिर से महिलाओं की सुरक्षा पर आकर अटक गया है, जिसे हमेशा ताक पर रखा जाता है, और उस पर सवाल उठता है जब एक और महिला दरिंदगी का शिकार हो जाती है, जिसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। ऐसा ही एक बार फिर हुआ है। कोलकाता में अपने सपने बुनने पहुंची महिला डॉक्टर दरिंदों की हवस का शिकार हो गई है। अब उनके साथ ही डॉक्टर सड़कों पर उतर आए हैं, जिससे दिवंगत महिला डॉक्टर को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटना किसी और महिला के साथ न हो। कोलकाता समेत पूरे देश में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। वे हाथ में आला और अपना कोट लेने की बजाय तख्तियां लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस बीच आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया है और साथ ही मीडिया के साथ अपनी बातचीत में वजह भी साफ की है। आप आज रिजाइन दिए सर, इसका कारण सर? इसका कारण है मेरा बदनामी हो रहा है, मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में, मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है इसके कारण सर। और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है, एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रिजिग्नेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रिजिग्नेशन दे रहा हूँ मेंटली। मैं आई डोंट लाइक दैट दिस शुड हैपन टू एनीवन इन फ्यूचर, लेकिन मैंने उसको बचाने का कोशिश तो पूरी किया, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट चेस डिपार्टमेंट में उसका डेथ हो गया, तो इट्स रियली अनअवॉइडेबल। प्रिंसिपल के इस्तीफे की वजह सुनकर डॉक्टरों में बेहद नाराजगी है। आज के लिए सारे हॉस्पिटल में पेन डाउन है, पेन इंडिया पेन डाउन है, और जो रिजिग्नेशन दिए है सर वो हम लोगों के एक्चुअली प्रेशर में दिए है। अभी के लिए तो सर रेजिग्नेशन दे दिए, पर हम लोग अभी जो हम लोगों का जो आंदोलन है वो अभी चलता रहेगा, और हम लोग अभी चाहते हैं कि जो हमारे जो प्रिंसिपल थे वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में उनको ना दिया जाए। इस वजह से हम लोग इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, प्लस जो विक्टिम है अभी तक उनके लिए मतलब उनका क्या रिपोर्ट आया अभी तक हमें वो भी नहीं पता चला है, तो वो सब जब तक क्लियर नहीं होता है हम लोग अभी तक चलाते रहेंगे अपना आंदोलन। हम लोग पैन इंडिया में एक मैसेज देना चाहते हैं, वो जो अभी तक हम लोग के ऊपर सॉलिडरिटी दिया है, इसके लिए हम लोग ऑल मेडिकल फ्रेटर्निटी सिविल सोसाइटी को हम थैंक्स बोलते हैं। ये मूवमेंट का प्रेशर में ही ये जो ऑटोक्रेटिक प्रिंसिपल है, जो दो दो बार ट्रांसफर होने के बाद भी वो खुद इधर पर आ गया और कोई भी इधर में मूवमेंट उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाता था, उसको हटाया गया, ये एक विक्ट्री ऑफ द मूवमेंट, इसके लिए हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं सब स्टूडेंट्स को। पर हमका डिमांड अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है,
हम लोग का डिमांड क्या है, हम लोग जो पुलिस का जो जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें भी सेटिस्फाइड नहीं है। 48 आवर्स हो गया है, जो उसका जो हालत था इसको देख के ही, जो विक्टिम को देख के ही बोलेगा या मल्टीपल एक्यूज है, पर पुलिस अभी तक ये स्वीकार भी नहीं कर रहा है मल्टीपल एक्यूज है, वो आंसर भी नहीं दे पा रहा है। फिर भी काला के सिद्धि विनीत गोयल बोल के गया है ये एक गुजब है, हाँ ये रूमर्स है, मल्टीपल एक्यूज है, ये कैसे बोल सकता है, ये तो जो भी देखेगा बोलेगा मल्टीपल एक्यूज है। तो ये तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में हम लोग एकदम सेटिस्फाइड नहीं है, इसको जल्द से जल्द सब सब जो दोषी है सब दोषी को पकड़ना पड़ेगा, उसको इमीडिएट पनिशमेंट देना पड़ेगा। वो तो पुलिस किसी को बुला सकता है, वो तो पुलिस का मामला है, हम लोग का जो मुद्दा है आप जल्दी जल्द से जल्द जो इन्वेस्टिगेशन है वो करके इमीडिएटली 48 आवर्स हो गया इमीडिएटली अरेस्ट कीजिए जो कल्प्रिट है, वो किसको बुलाया उससे हम लोग का नजर नहीं है, हम लोग कोई रूमर में कान नहीं दे रहा है, ये रूमर है वो रूमर है, पुलिस आप काम कीजिए और क्या कर रहे हम लोग को बोलिए, बस ये हम लोग का मुद्दा है। देखिए हम लोगों के वर्क प्लेस में हम लोगों का सेफ्टी एक डिमांड है कि हम लोग अगर सेफ नहीं होंगे तो हम लोग सर्विस कैसे देंगे, तो हम लोगों का सेफ्टी बिल्कुल ये करना होगा। देश की राजधानी में भी प्रदर्शन जोरों पर है, डॉक्टर्स अस्पतालों से बाहर आकर रास्ते पर बैठ गए हैं और अपनी मांग जोश के साथ रख रहे हैं। मैम रेजिग्नेशन देना तो बनता है, बिकॉज उनके अंडर एक इतना बड़ा कुकर्म हो गया है। जब हम घर से निकलते हैं तो हम बोलते हैं कि पापा या फिर मेरे भाई को फोन करते हैं तो बोलते हैं हम हॉस्पिटल पहुंच गए, हम सोचते हैं कि एक सेफ जगह है और वहां पे डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है तो नर्स के साथ भी हो सकता है, पेशेंट के साथ भी हो सकता है, ये एक सेफ जगह कंसिडर किया जाता है, ये सारी चीजें मान्य नहीं है। और वो जो बोल रहे डिफेम किया जा रहा है, उन्हें फेमस किस लिए होना है, इसमें डिफेमेशन का तो बात ही नहीं बनता है, उन्हें खुद रिजाइन करना चाहिए, उनका कॉन्शियंस इतना होना चाहिए। ऊपर से अथॉरिटी सारी चीजों को कवर करने की कोशिश कर रही है, 3 से 4 लोग इन्वॉल्व थे, एक को पकड़ा है, दे शुड ऑल बी लिटरली हंटेड एंड हैंग टू डेथ, देर इज नो मर्सी शुड बी शोन। चीजें साइंटिफिक होनी चाहिए, चीजों को कवर करने से नहीं होता है। आज हमारी एक कॉलीग फॉल की है, ये हमारे किसी के साथ भी हो सकता है। हम लंबी लंबी ड्यूटीज करते हैं, रात के 2-3 बजे हमें एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाना होता है, और मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि हम डरे हुए हैं, पर हम सैड हैं, हम आक्रोश में हैं। और आई डोंट थिंक कि प्रिंसिपल का ये बयान ठीक है, प्रिंसिपल ने ये भी बोला कि वो उन्हें साइकोसिस हो रहा था। एक फीमेल डॉक्टर जो ड्यूटी में है, ड्यूटी करने के काबिल है, अगर थोड़ी बहुत कोई मेंटल इलनेस भी है तो उसको इस वक्त जाहिर करना ये सही नहीं था। ऐसा नहीं है, शुरुआत में तो उस चीज को तो मतलब डॉक्टर साहब को तो जो उनका डेथ हुआ है उनको तो बताया गया कि साइकोसिस है, उन्होंने मतलब उसको अलग अलग तरह के आरोप लगाए गए, मतलब शुरुआत के वहाँ के कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ का पुलिस ने तो ये बता दिया कि अपने साइकोसिस इसलिए उसने हत्या कर ली अपने से, तो इस सब चीजों को छुपाया जा रहा है। हमारा भारत सरकार और बंगाली गवर्नमेंट से अनुरोध है कि हम डॉक्टरों को इंसाफ मिले और जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जाए और इसको ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करके न्याय मिले। अभी आज की डेट में पूरे ऑल इंडिया में स्ट्राइक चल रही है, हम लोग स्ट्राइक जब तक चलेगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, शुरुआत में इस तरह का कोई भी मतलब शुरुआत में उसको साइकोसिस घोषित कर दिया गया था, हम कैसे माने इस चीज के लिए, हम चाहते हैं सीबीआई इंक्वायरी जिससे हम डॉक्टरों को न्याय मिल सके और आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना न घट सके। क्या आपकी स्ट्राइक जारी रहेगी जब तक मांगे नहीं मानी जाती? हाँ, ये हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, और भारत सरकार बंगाल गवर्नमेंट से अनुरोध है कि हमारी मांगे पूरी की जाए। हमारा स्ट्राइक है कि हमको चाहिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, जिसके लिए हमें आगे के लिए इंश्योरेंस मिलेगी, इन फ्यूचर ये चीजें नहीं होगी, क्योंकि पास्ट में ये चीज मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर चुकी है और आज ही इतना बड़ा इंसिडेंस हो गया है, इसलिए हमको चाहिए कि एक प्रोटेक्शन एक्ट हो ताकि हमें इंश्योरेंस हो कि ये चीज नहीं होगी इन फ्यूचर। लखनऊ में भी ऐसा ही हाल देखने को मिला, जहां डॉक्टर हाथ में तख्तियां लिए विरोध प्रदर्शन करते दिखे, जिन पर लिखा था नो सेफ्टी नो ड्यूटी नो सर्विस विदाउट जस्टिस। हम लोग को बस प्रोटेक्शन चाहिए सो दैट वी कैन डू आवर ड्यूटी, और जो इन्वेस्टिगेशन होगा दैट शुड बी विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर और बायस, इतना ही हम लोगों का मांगना है बस। राइट, कुछ नहीं, अभी दिस इज वी वांट जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, ये एक औरत के साथ हुआ है, एक डॉक्टर के साथ हुआ है, इसमें पॉलिटिक्स कुछ हो ही नहीं सकता है।
सो ये विदाउट बायस होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, एंड अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो सकता है वी विल प्रेफर दैट। जब तक हम लोगों को कोई नया नहीं दिखा जाएगा, प्रोटेक्शन एंड जस्टिस, फर्स्ट ट्रैक कोर्ट लगा के इनका जस्टिस जो परपेट्रेटर्स है उनको पकड़ा जाए और हम लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाए, सीसीटीवी कैमरा हो, प्रॉपर रूम्स हो, प्रॉपर वॉशरूम्स हो, बस इतना ही। और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं रेजिडेंट्स के लिए वो अच्छी नहीं है, कंडीशंस अच्छी नहीं है, रात में काम करते समय कभी भी कोई कुछ भी बोल के चला जाता है, तो हमारे रेजिडेंट एक हैं लड़के हैं कि एक बार बर्दाश्त भी कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए कोई सेफ्टी का वो नहीं है, और जो लोग करते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं होता है। हम सेफ्टी ये चाहते हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा हो, स्टाफ सिक्योर फील करे कि उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं होगी, उसके साथ कोई घटना नहीं होगी जैसी घटना हुई है कोलकाता में, उस तरह की कोई घटना ना होने पाए, इस तरह की सिक्योरिटी चाहते हैं जिससे लोग काम भी हैम्पर ना हो और हम काम भी अच्छे से कर सकें बिना डर के। जस्टिस, 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 जस्टिस,